IVM. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिप्पी आंदोलन की शुरुआत करने वाले एलन गिन्सबर्ग को बड़ा गुमान था कि उन्होंने दुनिया को कोई बड़ी नायाब सी सोच दी है। उनका मानना था कि उन्होंने युवाओं की एक ऐसी फौज खड़ी की है जिन्हें दुनिया के बनाए नियमों से कोई लेना देना नहीं है, और वे समाज की जड़ता को नजरअंदाज करते हुए अपनी बनाई एक अनूठी दुनिया में रहते हैं। फिर एक दिन वे बनारस या काशी में गंगा के किनारे बने घाटों पर पहुंचे और वहां जो बेलौज जिंदगी का आलम देखा तो बोल उठे, कौन कहता है हिप्पी आंदोलन मैंने शुरू किया, बनारस की तो तासीर ही हिप्पी है। जी हां, बनारस ऐसा ही है, लेकिन बनारस में भी उसके घाटों की दुनिया निराली है। यहां हर घाट अपनी कहानी अपने में समाए रोज जिंदगी की लीला को चुपचाप घटते देखता रहता है। सदियों पहले यहीं किसी घाट पर गुरु रामानंद सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए सीढ़ियों पर उतर रहे थे तो उनका पैर किसी पर पड़ा जो उन्हीं सीढ़ियों पर जानबूझ कर लेटा हुआ था। गुरु रामानंद राम 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 कहते हुए पीछे हटे और वो आदमी उठा और बोला, गुरुजी, आपने तो मुझे मेरा मंत्र दे दिया। यही व्यक्ति आगे चलकर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जुलाहा बना, जिसे हम संत कबीर के नाम से भी जानते हैं। जहां कबीर को अपने गुरु घाट पर मिले, वहीं भगवान बुद्ध को यहां तिरस्कार मिला। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बनारस आए अपना प्रवचन करने, क्योंकि बनारस तब ज्ञान और शास्त्रार्थ का केंद्र था। लेकिन आज से 2500 साल पहले घाट के पंडों और ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने से मना कर दिया, उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। भगवान बुद्ध को हार कर काशी से कुछ दूर जाके सारनाथ में अपना प्रवचन देना पड़ा। ऐसा नहीं कि पक्के घाट दूसरी नदियों के किनारे नहीं बने, लेकिन अपने वैभव और चहल पहल में उनमें से कोई भी बनारस के आसपास नहीं ठहरता। यहां करीब 88 घाट हैं, पर दशाश्वमेध घाट सबसे महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बने इस घाट पर ही हर दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। पंडे, श्रद्धालु, बाबा, भक्त, हलवाई, पान वाले, नाई और पर्यटक सब एक सैलाब की तरह सुबह 4 बजे से यहां जमावड़ा जमाने लगते हैं। जब तक सूरज की पहली किरण नदी और घाट पर पड़ने का समय होता है, तब तक घाट की स्थिति मेले जैसी हो चुकी होती है। बचपन में मैं जब काशी में रहता था और दशाश्वमेध घाट पर नहाने जाता था, तो सीढ़ियों से उतरते समय एक दीवार से पीपल का पेड़ निकला दिखाई देता था। उसकी जड़ें दीवार में एक पैटर्न बनाती थीं, और ये अपने आप में किसी कलाकृति से कम नहीं लगता था। मेरे पिता मुझे कहानी सुनाते कि दशाश्वमेध घाट का मतलब है 10 अश्वमेध। किंवदंती है कि इस घाट को भगवान ब्रह्मा ने बनवाया था और अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। उसी कहानी के मुताबिक इन यज्ञों के बाद ही भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में यहां आकर विराजमान हो गए।
उस जमाने में एक बूढ़ा वहां उसी पीपल के नीचे बैठा करता था। उसका चेहरा झुर्रियों और सफेद दाढ़ी से ढका रहता था। न जाने क्यों मुझे उस छोटी सी उम्र में उस पेड़ और उसके नीचे बैठे बूढ़े को देखकर दशाश्वमेध घाट की प्राचीनता पर विश्वास हो जाता था। दशाश्वमेध घाट के बाएं हाथ मणिकर्णिका और हरिश्चंद घाट हैं। ये दोनों घाट असल में शमशान हैं और यहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। दशाश्वमेध घाट के बाद यही दोनों घाट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और अगर आप काशी के निवासी नहीं हैं तो इसे देखने के लिए वाकई काफी हिम्मत की जरूरत होगी। जहां तक इन घाटों पर मृत्यु का अटल सत्य दिखाई देता है, वहीं 80 घाट पर जीवन का उल्लास बिखरा दिखाई देता है। 80 घाट असल में काशी से निकलने वाली दो नदियों के बीच में बना हुआ है। एक नदी है असी और दूसरी है वरुणा। माना जाता है कि इन दोनों नदियों के बीच अगर कोई अपना जीवन त्यागे तो उसे सीधा स्वर्ग मिलता है। यहां मौजूद संकट मोचन हनुमान मंदिर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनवाया था। उनकी रामचरितमानस तो हम आज भी पढ़ते हैं। यहां 80 घाट पर एक चाय वाला भी बैठता है। शहर भर के विद्वान मस्तमौला लोग शाम को उसके यहां जुड़ते हैं और यह उनका अड्डा बन जाता है। इसी घाट पर होली के दिन एक कवि सम्मेलन भी होता है जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं और होली के हुड़दंग की परंपरा में जमकर बेहूदी कविताएं करते हैं। हर किसी को हर किसी के बारे में कुछ भी कह देने का हक होता है, बस शर्त यह है उसे अपने शब्द एक कविता या शायरी के रूप में प्रस्तुत करने होंगे। उस दिन जो कहा सुना जाता है उसे लोग वहीं छोड़ देते हैं, कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता, कोई मनमुटाव नहीं होता। बनारस के इन घाटों पर पूरे शहर से लोग सुबह से लेकर रात तक आते रहते हैं, कुछ नहाने, कुछ फुर्सत ढूंढने, कुछ शांति खोजने, कुछ बस यहां की ऊर्जा में डूब जाने के लिए। बनारस के घाट कुछ मायने में समुद्र के तट की तरह हैं, एक ऐसा स्पंज जो शहर की सकरी गलियों में रहने वाले लाखों लोगों के तनाव, नाराजगी, परेशानी और घबराहट सोख लेते हैं और बदले में चेहरे पर मुस्कान और एक बेफिक्री देते हैं जिसे हम बनारस की मस्ती के नाम से जानते हैं। तो आज टेढ़े-मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के किसी नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Siet and Cred. We really appreciate the support. It is what makes this possible. So it was a fun week on Cyrus Says. We had guests like Dolly Singh, we had Guneet Monga, we had Kamya Jani of Curry Tales, and Cock and Bull as we always did. Do check it out. I think you'll really, really enjoy that. On Paisa Vaisa, we crossed 300 episodes and Anupam was joined by Akhil Handa, the digital head of Bank of Baroda. All things policy, discussed topics like the 100 years of China's Communist Party, the Facebook versus the Government of India case, and the evolution of Indian science. On The Wire Talk, Siddharth Bhatia was joined by Gautam Bhatia to discuss the Central Vista project and why it's attracting so much flack. Sadaf and Archit are back on the Naan Curry podcast, and this time they raise the temperatures as they discuss the beloved spice mirchi. On The Millennial Athlete, this week Tanvi and Shlok speak to Sarita Chauri, a visually impaired judoist. And finally, I want to ask you all to give a listen to the Triangle Offense. Anybody who has heard me talk on a podcast knows I can't shut up about basketball, and these guys know more about it than I do. So if you enjoy basketball, do check this out. Nishant and Monish do an excellent job with this show. I was one of their guests a few months ago, which is how I met them and tried to convince them to come onto the network, and they're finally here. So definitely do check this out. Show's available on all major podcasting platforms, but they also have a daily YouTube episode, which is available on the IVM Podcast channel. And with that, I hope to see you again next week. Feeling overwhelmed, anxious, struggling with too many obstacles?
don't know where your life is headed? Well, if you are dealing with one or all of these, tune into the Positively Unlimited podcast, because in each episode, I share a life lesson, a life hack, a pro tip that can help you get your life back on track. All episodes are available on the IBM website, IBM Podcast app, or wherever it is that you get your podcasts from.